हमारी जो आंतरिक प्रार्थना, कि जैसे हम जानते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए फिर भी हम करते हैं, इसका मतलब हम बलहीन हो रहे हैं, हमारी कहीं अध्यात्म शक्ति खो गई है, विषय सेवन से हम अपने स्वरूप को विस्मृत कर चुके हैं। अगर नाम जप नहीं होगा, ये बहुत अनुभव भारत जी, पूरा बचपन मेरा तो पथी और तटी मठ है और 24 घंटे सदव्रत नाम स्मरण। कारण मुझे ऐसा लगता है कि नाम इसीलिए दिए गया कि राधा रानी का हो, हरि का हो, राम का नाम स्मरण हो, वो कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म कहता है और जो गुरु ने नाम दिया, तो वो नाम कोई हरि का नाम ले रहा है, कोई राम का नाम ले रहा है, इसका मतलब वो सत्य का स्मरण कर रहा है। गुरु ने सत्य का कि तुम्हारा मन हो ना हो तुम नाम स्मरण करते रहना, वो नाम स्मरण ही उसको प्रवृत्ति से निवृत्ति करा देता है। और इस कलिकाल में नाम स्मरण सबसे सहज योग है, इसमें तो किसी और ये पूरे पथ पर, अभी जैसे हम दिल्ली से मथुरा तक पैदल चले तो बढ़िया राधे 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 कर करके, और अभी मैं जब मथुरा से इधर आ रहा था तो मानसिक यही है कि नहीं महाराज जी को सिर्फ एक ही नाम वो प्रिय है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है, राधे राधे। तुम्हें भी वो मानसिक रूप से राधे 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 और यहाँ तक बोल लिया। और आज कहीं ना कहीं गुरु कृपा से ही निश्चित है कि आने वाले समय में जो आपके बोल है वो दुनिया के लिए अनमोल है और कहीं ना कहीं वो परिवर्तन आ रहा है। ये तो यदि ये देह से यदि ये देह बैठी होती तो फिर इस देह का क्षय हो जाना चाहिए, चाहे इस देह का हो चाहे उस देह का हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ढांचे की सामर्थ्य से नहीं हो रहा है ये साउंड बोल रहा है, चिप लगी हुई है अंदर से। लोगों को रहता है कि नहीं कैसे 3 वर्ष तक बिना आहार के रह सकते हैं। मैंने कहा सभी ने 6 माह तक माँ के आंचल से ही रहे, उसको कोई अन्न द्रव्य नहीं दिया जाता, वो अन्न प्राशन 6 महीने के बाद होता है। एक खान पान विभाग प्राणों का है। हाँ, जब आपकी आसक्ति नर्मदा जी में प्रबल हुई तो प्राणों की आसक्ति क्षय हो गई। अब प्राण वायु से जैसे जल से अन्न से सेवित होते हैं, ऐसे मदगत प्राण, मदगत प्राण होने के कारण अगर आप पानी या जल जो ले रहे हैं उसको भी बंद कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मदगत प्राण प्राणों को अब सामर्थ्य प्रभु से प्राप्त हो रही है। बस बड़ी कृपा हुई, आप दर्शन दिया करके बड़ी कृपा हुई।